नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्राफिक आईना। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शुभम। लास्ट वीक मैंने टोटल बनाया था सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। बहुत सारे लोगों को वो टोटल अच्छा लगा, लोगों ने कमेंट्स करे हैं, लाइक करे हैं। देखिए, मेरी कोशिश यही है कि जो कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ उससे आप लोग कुछ सीख सकें और कुछ बेहतर बना सकें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट फ्लायर का डिज़ाइन बना सकते हैं और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करें। एक पॉपअप आएगा जिसमें हम नेम टाइप कर लेते हैं, रेस्टोरेंट फ्लायर डिज़ाइन। फ्लायर के लिए A4 साइज यूज़ करें। फ्लायर हमें प्रिंट करवाना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन 300 ही होना चाहिए, इससे इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी प्रिंटिंग में। कलर मोड हम CMYK के रखेंगे, प्रेस ओके। प्रिंटिंग में हमेशा CMYK ही रखें। नाउ डबल क्लिक ऑन बैकग्राउंड लेयर टू अनलॉक द लेयर एंड नेम इट एज बैकग्राउंड। मैं जो आज डिज़ाइन बनाऊंगा वो एक 1/4 एक्लिप्स के थ्रू बनाऊंगा, और डिज़ाइनिंग में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो 1/4 पार्ट होगा एक्लिप्स का उसे हम ओवरऑल डिज़ाइन में यूटिलाइज करेंगे, और वो हमें देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी प्लेज अ बिग रोल टू मेक एनी गुड डिज़ाइन। हमारी अब शेप रेडी हो गई है। अब मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा जिसमें एटलीस्ट 4 सेक्शन होने चाहिए। सबसे पहले लोगो के लिए एरिया क्रिएट करते हैं टॉप राइट में, और इस शेप लेयर को हम नेम दे देते हैं लोगो BG। हमने शेप लेयर का कलर येलो रखा है क्योंकि सारे कलर्स में येलो ही एक ऐसा कलर है जो सबसे जल्दी लोगों का अटेंशन खींचता है। इट इज़ ऑल्सो अ कलर ऑफ हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी। आपने ध्यान दिया होगा कि फूड सेक्टर में ज़्यादातर लोग येलो कलर यूज़ करते हैं, और येलो के साथ हम डार्क ग्रे यूज़ करेंगे ताकि वो येलो कलर को अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे, और साथ ही वाइट कलर का एक स्ट्रोक ऐड करेंगे फॉर द हाईलाइट। सेकंड सेक्शन होगा हमारा पॉलिसीज और कॉन्टैक्ट डिटेल को शो करने के लिए बॉटम लेफ्ट में। इस सेक्शन को हम लोगो सेक्शन से बड़ा रखेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारा एड्रेस, वेबसाइट और जो हमारी पॉलिसीज होंगी वो आएंगे। इस सेक्शन को भी हम लोगो सेक्शन की तरह डिज़ाइन करेंगे। और थर्ड सेक्शन हमारा सिर्फ फ़ोन नंबर के लिए होगा बॉटम राइट में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो यूज़र है उसे फ़ोन नंबर विजिबल हो। एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए फ़ोन नंबर के लिए। फोर्थ सेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली बन चुका है जिसमें हम प्रोडक्ट इमेज और रेस्टोरेंट से रिलेटेड डिटेल मेंशन करेंगे। अब हम सारी लेयर सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको नेम देते हैं हम बैकग्राउंड। लेट्स ऐड सम टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं हेडलाइन इसकी रखूँगा आर यू हंग्री। आर यू का कलर हम वाइट रखते हैं, और इसका फॉन्ट में यूज़ कर रहा हूँ एवोकाडो टैको। ये फॉन्ट बिल्कुल फ्री है, कमर्शियली आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आर यू को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसकी कॉपी लेके हम हंग्री टाइप करते हैं जो आर यू के कंपैरेटिवली बड़ा होगा। हंग्री का कलर हम येलो रखेंगे, और इन दोनों की प्लेसमेंट हम टॉप लेफ्ट में रखेंगे। एक छोटी सी लाइन ऐड करते हैं इस टेक्स्ट के नीचे, ईट डिलीशियस फूड। इसका फॉन्ट होगा क्रोइसेंट 1। ये फॉन्ट भी कमर्शियली बिल्कुल फ्री है। प्रेस कंट्रोल बैकस्पेस टू फिल द कलर वाइट। हम इस फ्लायर के डिजाइन में अवर स्पेशलिटीज का पार्ट ऐड करते हैं, और उसके अंदर मैक्सिमम हम अभी के लिए खाली 3 वैल्यू शो करेंगे। आप चाहें तो और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इन तीनों स्पेशलिटीज का फॉन्ट मैंने मॉन्स्टर बोल्ड रखा है। नाउ ऐड टेक्स्ट ऑर्डर नाउ एंड प्लेस इट इन फोन सेक्शन। ध्यान रखें जो फोन नंबर है वो ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए। इस फ्लायर डिज़ाइन के लिए मैंने आइकन्स पहले से रेडी करके रखे हैं। जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो सारे लिंक्स आइकन्स के मेंशन हैं उस फाइल के अंदर।
सबसे पहले हम फ्री डिलीवरी का आइकन सेट करते हैं जो प्लेस होगा बॉटम लेफ्ट में. कलर विल बी वाइट. ऑर्डर नाउ की कॉपी लेते हुए एक टेक्स्ट ऐड करें फ्री डिलीवरी एंड प्लेस इट राइट नेक्स्ट टू द आइकन. डिलीवरी का कलर वाइट रखते हैं और फ्री का कलर येलो ही रहने देते हैं. आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक कंसिस्टेंसी फॉलो करी है कलर्स की, वाइट के साथ येलो. आर यू हंग्री, फ्री डिलीवरी, ऑर्डर नाउ के साथ फ़ोन नंबर. इससे दोनों टेक्स्ट को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा एक दूसरे का एंड इट ऑल्सो लुक्स गुड. लोगों के लिए हम एक टेम्प्रेरी आइकन यूज़ कर लेते हैं. इसका कलर हम वाइट रखते हैं. हमारा टेम्प्रेरी लोगो रेडी है. अब हमें एक 1/4 एक्लिप्स की एग्जैक्ट शेप चाहिए क्योंकि पहले जो मैंने शेप बनाई थी वो इतनी एग्जैक्ट नहीं थी. अभी हमें कुछ इमेजेस प्लेस करनी है, उसके लिए एग्जैक्ट शेप ज़रूरी है, इसलिए फटाफट से हम शेप बना लेते हैं. हम इस फ्लायर में दो इमेजेस यूज़ करेंगे. ये शेप लेयर मेन इमेज के लिए है. इसी की कॉपी लेते हुए हम दूसरी भी शेप क्रिएट कर लेते हैं. इसकी प्लेसमेंट एक दूसरे के अकॉर्डिंग रखें. मैं पहली शेप में बर्गर की इमेज रखूंगा. इस इमेज को शेप के साथ मास्क कर लेते हैं. इसी तरीके से दूसरी इमेज भी प्लेस करते हैं. दोनों इमेज को रीनेम करके ग्रुप बना लेते हैं. अभी के लिए दोनों ग्रुप हाइट रखते हैं. ऑर्डर नाउ के लिए एक आइकन यूज करते हैं. बॉटम सेक्शन की कुछ प्लेसमेंट ठीक करनी होगी. आपने ध्यान दिया होगा आर यू हंग्री के आगे मैंने कोई क्वेश्चन मार्क प्लेस नहीं करा है. उसकी जगह मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूंगा. एक रेड चिली की मैंने पीएनजी इमेज ली है और उसे रिशेप करा है मैंने क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग. उसे हंग्री के आगे प्लेस करते हैं. अभी आप देखेंगे अब स्पेशलिटीज वाला सेक्शन काफ़ी सिंपल लग रहा है. उसको एक न्यू लुक देने के लिए हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं जिसका बॉर्डर हम डैश लाइन का रखते हैं. टेक्स्ट को उसके अंदर प्लेस करते हैं. अभी दोनों शेप ओवरलैप हो रही हैं और अब स्पेशलिटीज वाले सेक्शन में जो बीच की लाइन है उसके लिए हम नीचे वाले लेयर पर एक लेयर मास्क ऐड करते हैं और उस लाइन को हटा देते हैं वहाँ से ताकि वो दोनों एक ही शेप का पार्ट लगें. इन तीनों टेक्स्ट के आगे मैं एक कस्टम शेप ऐड करूँगा एज अ बुलेट पॉइंट. सो कस्टम शेप्स में मैं स्टार यूज़ करूँगा. इस सेक्शन को सेट करते रहें जब तक आपको लगे ना कि हाँ ये सेक्शन ठीक है. अब एक डिलीशियस फूड के लिए भी एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं इन डैश्ड फॉर्म और उसे आप एक रिबन टाइप शेप देने की कोशिश करें. अब स्पेशलिटीज़ वाले सेक्शन में अगर हम कलर इन्वर्स कर दें, जो वाइट है वो येलो और जो येलो है वो वाइट, तो आई थिंक ज़्यादा बेस्ट लगेगा. साथ ही साथ आप लेयर्स के ग्रुप बनाते रहें. जो पॉलिसीज़ वाला सेक्शन है वहाँ पे हम एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं. उससे पहले एक पार्टीशन बना लेते हैं. एक लाइन क्रिएट कर लीजिए और उसका कलर वाइट रखें. फ्री डिलीवरी की कॉपी लेते हुए आप टेक्स्ट टाइप करें 250 मिनिमम ऑर्डर वैल्यू. मिनिमम ऑर्डर वैल्यू को छोटा रखें, 250 को बड़ा. अब हम इसके नीचे वेबसाइट और एड्रेस भी ऐड कर लेते हैं. वेबसाइट के आगे आइकन प्लेस करें. एड्रेस का जो आइकन है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी. एक आइकन क्रिएट कर लेते हैं एड्रेस के लिए. इन चारों को सेलेक्ट करके एक ग्रुप बनाइए जिसका नाम दीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स. एक पॉलिसी नाम का ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं. लोगों की दोनों लेयर सेलेक्ट करते हुए एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि इन नियर फ्यूचर कभी भी हमें कोई और लोगो प्लेस करना हो तो इजी रहे हमारे लिए. और उसे नेम दे देते हैं योर लोगो हेयर. अब हमने मोस्टली सारे ग्रुप बना लिए हैं. बस इमेज के दोनों ग्रुप्स को सेलेक्ट करके एक कॉमन ग्रुप बनाते हैं
इमेजेस काफ़ी फ्लैट लग रही हैं, उसके लिए हम एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं इमेजेस के ऊपर। सबसे पहले आप मास्क लेयर की एक कॉपी लीजिए और उसमें एक वाइट स्ट्रोक ऐड कीजिए, फिर उसका नन रखेंगे। उसी स्ट्रोक लेयर की एक और कॉपी लीजिए और उसका कलर येलो रखें। फॉर द प्लेसमेंट आप उसे टॉप मिड में रखें वाइट स्ट्रोक के। अब हम इस शेप के अंदर 30% ऑफ का ऑफर शो करेंगे। 30% को बड़ा रखते हैं, अप टू और ऑफ को स्मॉल। इसी तरीके से दूसरी इमेज के लिए भी हम सेम इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रोक लेयर की कॉपी लेते हुए एक फिल वाइट लेयर क्रिएट करें, उसमें हम लिखेंगे न्यू, ताकि ये लगे कि ये डिश बिल्कुल न्यू है। सभी लेयर को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस ओवरऑल डिज़ाइन में मैं एक रेड कलर का ग्रेडियंट ऐड करूँगा, क्योंकि रेड कलर हमारी एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। अगर आपको फूड इंडस्ट्री में कोई पैकेजिंग का डिज़ाइन बनाना है या कोई फ्लायर बनाना है, एक एरो की इमेज ऐड कर लेते हैं डायरेक्शन के लिए। इमेजेस को डेप्थ देने के लिए मैं उसमें शेडो ऐड कर रहा हूँ ब्लेंडिंग मोड में। इसी तरीके से ऑफर्स और न्यू सेक्शन में भी शेडो ऐड करें। बैकग्राउंड थोड़ा फ्लैट लग रहा है, उसमें हम डिफरेंट टाइप के फूड्स ऐड करते हैं। इन सब आइकन की प्लेसमेंट इस तरीके से रखें कि ये ओड ना लगे, सबकी ओपेसिटी कम रखें। बैकग्राउंड में भी हम ग्रेडियंट ऐड करते हैं। और अगर आप चाहें तो लेयर्स को कलर दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप लेयर्स को कलर देते हैं तो काफी वेल स्ट्रक्चर्ड लगती हैं आपकी पीएसजी। इसको अगर प्रेजेंटेबल बनाना है तो हम इसका एक मॉकअप रेडी कर लेते हैं। अब हमारा रेस्टोरेंट फ्लायर डिजाइन रेडी हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। इस फ्लायर को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक माई ट्यूटोरियल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, टेल मी योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय।